और मैं क्विक ओपन कर रहा हूँ, और क्विक ओपन करते साथ जो मेरे सामने वो ई प्लस का साइन आ रहा है, मैं उसके ऊपर क्लिक करके प्लस का साइन ऐड करके हम लोग अपनी वीडियो इंटरफेस में आ जाएंगे, ठीक है, वीडियो एडिटिंग के इंटरफेस में, ठीक है। यहाँ पे वो आपको ऑप्शन देगा कि आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है अपनी फाइल्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्विक का एक नाम से फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है, वो ये रहा, ठीक है। इसके अंदर मैंने कुछ पिक्चर्स सेलेक्ट करनी थी जिनको मैं एडिट करूँगा, आई विल सेलेक्ट दीज पिक्चर्स ओवर देयर, ठीक है। ओके सो देयर इज़ अ ग्लिच ऑफ आई थिंक सो, हाँ क्विक का, क्विक मुझे रीस्टार्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, क्विक, हाँ। सो बेसिकली मैं यहाँ से पिक्चर्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बारी बारी सारी जो पिक्चर्स मुझे चाहिए अंदर, ठीक है। सो दीज आर दी पिक्चर्स जो मैं एडिट करना चाह रहा हूँ अंदर अपनी वीडियो के। उसके अलावा आई हैव डाउनलोडेड टू वीडियोज़, ठीक है, स्नैपचैट से, मैं वो ऐड कर दूंगा अंदर, ठीक है। ये वीडियोज़ का ऑप्शन आ रहा है, ये वीडियोज़ मैं ऐड करूंगा, ठीक है। सो गाइज हाँ बोलें, अच्छा इसके अंदर ये होता है कि आपकी जो रेशियोज होती है ना, स्टैंडर्ड रेशियो तो आप यूज़ कर सकते हैं। एक आप लोग 16, जब आप एक मोबाइल को फ्रंट से क्लिक करते हैं ना, मोबाइल को सीधा रख के, तो वो रेशियो जो आती है वो 16:9 की पिक्चर्स आती हैं, और जब आप उसको वर्टिकल लेते हैं वो भी 16:9 की होती है। उसके अलावा आपके पास कैमरे में ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप अपनी पिक्चर्स जो क्लिक कर रहे हैं ना, उन्हें अपनी मर्जी से सेट कर सकें उनका फ्रेम वगैरह। एक तो वो तरीकेकार हो गया, दूसरा जब आप वीडियो ऐड करते हैं ना, तो आपकी कोई भी रेशियो वीडियो एडिटर्स अपनी मर्जी से ही उसे अपने डिजायर्ड रेशियोज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि वीडियो एडिटर्स में इतना इशू नहीं होता। अच्छा मैंने ये सारी पिक्चर सेलेक्ट कर ली हैं, ठीक है, मैंने टिक का बटन दबाया है और मैं इसके ऊपर अपना वीडियो का टाइटल ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, माई आइजेक जर्नी, ठीक है, माई आइजेक जर्नी, ठीक है। सो गाइज मैंने उसके ऊपर अपना टाइटल ऐड कर दिया वीडियो का, अच्छा। सो जब आप यूं ही वीडियो जब, हाँ हाँ वो मैं आपको भी थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो चलना चाहिए अचानक, मतलब कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ है अंदर अवेलेबल, लेकिन वो मतलब कि अभी एक चीज पे ना मुझे कंफ्यूजन होती है कि फिर के क्या करना है, क्या कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना, ठीक है। सो बेसिकली जो है अभी जो हम लोगों ने अभी ऐड किया टाइटल ऐड किया सिर्फ, ठीक है, माई आइजेक करियर के नाम से, ठीक है। तो इसके बाद ना ये जो नीचे दरमियान में जो साइन आ रहा है ना, ये म्यूजिक का साइन, इसके थ्रू आप ना म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुख्तलिफ म्यूजिक प्री अवेलेबल हैं, ठीक है। पहले से ही यहाँ पे आ रहा है, ये हमेशा यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ म्यूजिक जो म्यूजिक अवेलेबल है ना आपके पास, वो नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं इनमें, इसके बाद जो जब ये सारे म्यूजिक खत्म हो जाते हैं, ये माई म्यूजिक का ऑप्शन आ रहा है, माई म्यूजिक पे क्लिक करूंगा। मैंने एलन वॉकर का फेडेड डाउनलोड किया हुआ था, फेडेड डाउनलोड हुआ हुआ है, तो आई विल यूज दैट फेडेड साउंड, ठीक है। फेडेड म्यूजिक आप लोगों ने सुना हुआ है सब ने, आई थिंक सो, फेडेड सबको पता होगा कौन सा गाना है। सो मैंने वो ऐड कर रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है, फेडेड के ऊपर। और वीडियो की जो पिक्चर्स हैं वो सारी आ चुकी हैं एक दफ़ा में सारी, ठीक है। ये भी गाना उसके ऊपर अपलोड हो रहा है, अच्छा। सो अब मेरे दो काम हो चुके हैं, एक तो मेरे सारे क्लिप्स आ चुके हैं ऊपर, और दूसरा हो चुका है मेरे सारी जितनी भी मैंने जो सॉन्ग्स लिखने हैं ना, वो फेडेड वगैरह वो सारे आ चुके हैं, ठीक है। तो अब जो ये नीचे आपको, आप जब ना इस वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे ना, वीडियो के ऊपर, ये वीडियो का जो इंटरफेस है ऊपर वाला, ये वाला, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको नीचे सारे क्लिप्स आना शुरू हो जाएंगे जो जो आपने ऐड किए, ठीक है। आप क्लिप को उठा के, यहाँ से उठा के कहीं पे उसे आगे पीछे मूव करा सकते हो, जहाँ पे आपकी डिजायर्ड जगह ना, मैं यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ, तो आप उसे वहां पे लगा सकते हो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ना इसी तरह हर क्लिप के नीचे ना एक ना उसका क्या नाम है, ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट ऐड करने का, ठीक है, हाईलाइट करने का, ट्रिम करने का, ऑफ करने का। ये अब वीडियोस के लिए रह रहे हैं, पिक्चर्स के लिए आ रहे हैं। ये माई आइजेक का जो हमारा टेक्स्ट था ना, ये वो है, ठीक है। आप इसकी ड्यूरेशन कम ज्यादा कर सकते हैं, ड्यूरेशन आप कम करना चाह रहे हैं, ज्यादा करना चाह रहे हैं, वो आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी स्टैंडर्ड ड्यूरेशन के साथ कंटिन्यू करूंगा। आगे आ जाता है पिक्चर, पहली पिक्चर के ऊपर आपको टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, इसके पिक्चर के ऊपर आप ये देख रहे हैं टेक्स्ट ऐड करने का ऑप्शन आ गया, ठीक है।
और उसके बाद फिर लेआउट, आप ये जैसे भी ये पिक्चर थी ना, अगर ये आपको इसका लेआउट चेंज करके आप इसको ओरिजिनल पिक्चर में लाना चाह रहे हैं तो आप लेआउट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो लेआउट से क्या होता है कि आपकी जो पिक्चर होती है वो ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं, वो आ जाती है वापस, ठीक है। जैसे ये पिक्चर जो थी ना वो ऐसी थी, ठीक है, तो वो ऐसी ही आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह आगे पिक्चर्स के इससे अगला ऑप्शन ऑप्शन जो अवेलेबल है वो रोटेट करने का, आप पिक्चर्स को रोटेट कर सकते हैं इसके ऊपर ही, वीडियो एडिटर के ऊपर ही, ठीक है। तो मैं इसकी ओरिजिनल रोटेशन के साथ चलूंगा, ठीक है। उसके अलावा जब वीडियो प्ले हो रही होगी ना, आप उसकी फोकस कर सकते हैं उससे, आप किसी एक पॉइंट पे, जैसे मैं इसके अगर मुंह के ऊपर फोकस करूंगा, जब उसको पिक्चर वीडियो प्ले होगी तो वो मुंह की तरफ जाएगा, ये देखें जरा अभी, वो मुंह के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही होगी। तो इसी तरह आप इसकी आगे जाके ड्यूरेशन, वीडियो पिक्चर कितनी देर के लिए प्ले हो वो कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और इसी पिक्चर को डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली होगी फर्स्ट जो आप पिक्चर्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं, पिक्चर्स के ऊपर, ठीक है। अब आते हैं वीडियो के ऊपर। वीडियो के ऊपर जब आप जाते हैं ना, तो वीडियो के ऊपर ना आपको ना डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं उससे, ठीक है। आप इसके ऊपर भी टाइटल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। टाइटल जो आपको डिजायर्ड टेक्स्ट है वो कोई सा भी हो सकता है, उसे एज अ कैप्शन के तौर पर, मतलब कि पहले कैप्शन प्ले और फिर, या फिर एज अ उसका टाइटल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। टाइटल में ये होता है कि टाइटल टेक्स्ट वीडियो के नीचे आ रहा होता है, और जो कैप्शन होती है पहले कैप्शन आती है और फिर वीडियो शुरू होती है, ठीक है। इसमें ये दो डिफरेंस हैं। अगर कहते हैं तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, अगर कोई कह रहा है कि मैं करके दिखा दें, ठीक है, फिर वीडियो आएगी। अगर आप कैप्शन, हाँ अच्छा, जब कैप्शन आप यूं सिलेक्ट करते हैं ना, जैसा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जर्नी टू लाहौर, ठीक है, जर्नी टू लाहौर NLC, जर्नी नहीं बल्कि YSF लिख रहा हूँ, YSF फर्स्ट मीटिंग लिख रहा हूँ कि वो मीटिंग की ही वीडियो, ठीक है। शेयर कर सकते हैं, उसका ऑप्शन बाद में आता है, वो थोड़ा डिफरेंट साइड पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो एक और साइड है उसके अंदर आता है, ठीक है। अब ये नीचे एज अ टाइटल आ रहा है, यू कैन सी दिस के नीचे टेक्स्ट आ रहा है, लेकिन वो एज अ टाइटल आया था, ये देखिए नीचे आ रहा है ना साइड पे, YSF फर्स्ट मीटिंग, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे एज अ कैप्शन, वो एज अ, अगर इसे इसी टेक्स्ट को आप एज अ टाइटल ऐड करते हैं, तो वो टाइटल टाइटल ये होता है कि आपकी जब वीडियो ओपन होती है ना, तो आपको पहले टेक्स्ट आएगा और फिर वो आएगा, जैसे अभी मैं आपको ये देखा YSF की फर्स्ट मीटिंग, और उसके बाद वीडियो शुरू होगी, ठीक हो गया। ये डिफरेंस होता है टाइटल और उसमें कैप्शन में, ठीक हो गया। अच्छा, जो फिर वीडियो का इससे अगला ऑप्शन है ना, वीडियो का ऑप्शन आता है ट्रिम करने, हाँ, क्योंकि कैप्शन एक लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल होता है, लेकिन आप इसके ऊपर आप इसको एक्सटेंड करके आप इसकी टाइमिंग्स बढ़ा सकते हैं, ये जो टेक एक्सटेंशन का ऑप्शन आता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है ना, ट्रिम का ऑप्शन है। ट्रिम में ना आपको तीन तरह से, अच्छा, जो है ना कैप्शन का ऑप्शन, सॉरी ट्रिम का ऑप्शन, ट्रिम में ना तीन तरह के होते हैं। बैलेंस ये होता है कि आपकी ना वीडियो का ना थोड़ी थोड़ी जगहों से ना हाईलाइट करके थोड़ी थोड़ी वीडियो ऐड करते हैं, सिर्फ थोड़ी थोड़ी वीडियो, ये 27 सेकंड की वीडियो है ना जैसे, लेकिन जब ये ऑटो ऐड करेगा ना, तो ये ऐड करेगा तकरीबन आपकी 5 सेकंड की वीडियो वहाँ पे वीडियो एडिटिंग के दरम्यान में। तो मैं तो कभी इसे यूज़ कर लेता हूँ, कभी मैनुअल में करके आप इसकी शॉर्ट कर सकते हैं वीडियो की टर्म को, ठीक है, ये मैनुअल में आपको शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आई विल गो विद अभी बैलेंस मोड, ठीक है। उसके अलावा एक्शन के थ्रू आप लोग अपनी मर्जी से कर सकते हैं, बैलेंस मोड के थ्रू एक्शन में आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको आगे फर्दर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है, जो जो आपको बैलेंस ही, मतलब कि बेसिकली वो उसी के मुख्तलिफ आगे ऑप्शंस अवेलेबल आते हैं, ठीक है। और हाईलाइट्स ओनली में सिर्फ आप लोग बैलेंस मोड को, मतलब वही जो आप अपनी मर्जी से हाईलाइट कर रहे होते हैं वही सिलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसका जो फिर मैनुअल का ऑप्शन है, मैनुअल में आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, छोटे छोटे क्लिप्स ऐड कर सकते हैं एक ही वीडियो को डुप्लीकेट करके, उसके छोटे छोटे क्लिप्स जो आपको चाहिए वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई विल गो विद बैलेंस राइट नाउ, नहीं कौन कौन से सीन्स के लिए आपको इसके लिए फिर आपको करना पड़ेगा, छोटे छोटे क्लिप्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। यू विल सिलेक्ट छोटे स्मॉल क्लिप्स फ्रॉम द वीडियो जो आप ऐड करना चाह रहे हैं उनके डुब्ली, जैसे भी इस वीडियो को मैं 6-7 दफ़ा डुप्लीकेट कर लूँगा, ठीक है, और उसके बाद मैं इसे एडिट कर लूँगा, ठीक है। इसके लिए जो अगला ऑप्शन है ना, हाँ, इससे जो अगला ऑप्शन है ना वो म्यूजिक ऑन ऑफ करने का, ठीक है। इस साउंड का ओरिजिनली जो इसकी साउंड है वो ऑन रहने देनी है, ठीक है, वो ऑफ रहने देनी है, या वो मिक्स करनी है। मिक्स में ये होता है कि आपकी वीडियो की साउंड भी आ रही होती है और जो आपने अपना एक म्यूजिक ऐड किया होता है वो भी आ रहा होता है, ठीक है।
तो इस तरह दोनों म्यूजिक आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका म्यूजिक का ऑप्शन हो गया। इसी तरह लेआउट में वही जो आपको पहले बताया था कि लेआउट में वो फिक्स रेशियो में आ जाता है कि आपको कौन सी रेशियो में चाहिए, ठीक है, जिस रेशियो में वीडियो बनी आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद रोटेशंस का ऑप्शन है, आप वीडियो की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं इसके थ्रू, वीडियो को आप क्रॉप कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब कि आप उसकी वीडियो को थोड़ा सा थोड़े थोड़े हिस्से उसके वही जो कटिंग वगैरह आप लोग उसके आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। और उसके बाद जो ऑप्शन है वो उसे वो तो आपके काम का नहीं, वो तो जब आपने रिमूव करनी हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सारे ऑप्शंस जो है ना इस वक्त वो ये अवेलेबल है, ठीक है, फॉर दी वीडियो क्लिप्स, ठीक है। ये क्लिप्स हो गया, म्यूजिक ऐड हो चुका है, ठीक है, हमारी बेसिक वीडियो भी आ चुकी है और वीडियो का हमारा इंटरफेस भी तकरीबन तैयार हो चुका है, ठीक है। अच्छा, ये बेसिक वीडियो के ऊपर म्यूजिक ऐड है, उसके अलावा आप लोग इसके अंदर कुछ भी एडिशंस कर सकते हैं, म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, क्लिप्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपको अभी क्लिप्स ऐड करने हैं तो आपको उसी बटन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे आके आप लोग क्लिप ऐड कर सकते हैं। ये जो साइडों पे प्लस का बटन आ रहा है ना, ये साइन का प्लस का साइन, इसमें आप लोग एक वीडियो ऐड कर सकते हैं। अगर पीछे वाली साइड पे करेंगे तो पीछे ऐड होगी, और आगे वाली साइड राइट साइड वाला करेंगे तो आगे ऐड होगी वीडियो क्लिप के जिसके ऊपर आपने क्लिक किया हुआ है। जैसे इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है, इसके पीछे ऐड करना चाह रहे हैं आप इसके आगे ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू आप लोगों की एक बेसिक हो गई, ये वीडियो का इंटरफेस हो गया, आप लोगों ने वीडियो एक तरह से तैयार कर लिया, अपनी साउंड भी आ गया, आपने उसके डिजायर्ड इफेक्ट्स भी डाल दिए, ठीक है। जो इससे अगला ऑप्शन है म्यूजिक के, वो आप लोगों को समझ आ गया कि म्यूजिक कैसे ऐड करना है, उसके अलावा म्यूजिक के क्लिप्स के अंदर म्यूजिक को मिक्स कैसे करना है, म्यूजिक की वीडियोस की ड्यूरेशन कैसे कम ज्यादा करनी है, ठीक है। ये दो ऑप्शन, इससे तकरीबन आधा काम आपका कंप्लीट हो चुका है। जो रिमेन चीजें हैं, ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स देम, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया था ड्यूरेशन, ठीक है, आप इसकी ड्यूरेशन को लिमिटाइज कर सकते हैं। जैसे ये 56 मिनट की है, आप इसे कम करके, ज़्यादा करके 1 मिनट और 27 सेकंड तक लेके जा सकते हैं, और इसे कम करके इसे आप 1 मिनट तक भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसे 1 मिनट की कर देता हूँ, ठीक है, तो 1 मिनट की वीडियो भी आप कर सकते हैं, आप लोग इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, आप इसे कम भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, क्लिक करूँगा, ये ड्यूरेशन उसकी इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। फिर आप इसका जो आप ये ड्यूरेशन, आप सिंपल ड्यूरेशन पे क्लिक करते हैं और आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। पूरी पूरी वीडियो की ड्यूरेशन है, ठीक है। अलग अलग जो पिक्चर की ड्यूरेशन है ना, वो पीछे से चेंज होती है, वो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से चेंज होनी है, ठीक है। ये ड्यूरेशन कहाँ से आ रही है, नीचे जो आपके आ रहे हैं ना, मुख्तलिफ ये 3 लाइन्स आ रही हैं, वो म्यूजिक के साथ उसके थ्रू आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो आप रेशो की बात कर रही थी ना, वो रेशो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये रेशो अभी हो गई है, इसे कहते हैं आपको जो वर्टिकल रेशो होती है, जो आपको अभी मैंने बताई थी कि आप मोबाइल को अगर लटा के वीडियो बना रहे हैं तो आप इस तरह इसको यूज़ करें, ये यूट्यूब पे जो बेसिकली आपको रेशो शो हो रही होती है, ठीक है। इसी तरह स्क्वेयर रेशो होती है, 1:1, जिसकी प्रोफाइल पिक्चर मैंने आपको बताया था 1:1 होती है, ठीक है, वो जो स्क्वेयर पिक्चर्स होती हैं, और यही जो ओरिजिनल पिक्चर जो भी हमारा पोर्ट्रेट डिज़ाइन था, पोर्ट्रेट पे हम लोग चाह रहे थे, ठीक है। आई विल कंटिन्यू विद द पोर्ट्रेट डिज़ाइन, ठीक है। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है म्यूजिक स्टार्ट का, म्यूजिक एक पूरी एक 3 मिनट की म्यूजिक जो आप का है, मैं शहर आपको भी बताता हूँ, ठीक है, जस्ट वेट फॉर वेल, ठीक है। जो म्यूजिक आपका अभी है वो आप लोग कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये म्यूजिक को आप जैसे अब 10 3 मिनट की वीडियो आप लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसे 30 सेकेंड से, तो यहाँ पे आप उसकी म्यूजिक की ड्यूरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं जैसे अभी 15 सेकंड से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, जो यूं ही आप 15 सेकंड पे क्लिक करेंगे वो 15 सेकंड से ही शुरू होगा। सहर, ये जो नीचे 3 लाइंस आ रही है ना म्यूजिक के साथ बैलेंस करने की, ठीक है ना, इसके ऊपर जो पोर्ट्रेट का ऑप्शन है ना, यहाँ पे आके आप क्लिक करते हैं और उसके थ्रू आप चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है, रेशियोज वीडियो की। हाँ हाँ बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल, आप इसके थ्रू ये देखें, पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे, सिनेमा में कर सकते हैं, स्क्वेयर में कर सकते हैं, और 3 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। इसका म्यूजिक स्टार्ट का ऑप्शन मैंने आपको दे दिया, ठीक है। उसके बाद जो फिल्टर है ना, फिल्टर आप ऐड कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के, जो आपको अच्छा लगता है। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर्स हैं अवेलेबल, जो वीडियो को थोड़ा एस्थेटिक्स बना देते हैं, ठीक है, तो आप लोग उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। तो आई विल गो विद ओरिजिनल वन, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट पिक्चर्स हैं, डिफरेंट पे आप लोग एक ही फिल्टर लगाएंगे तो बुरी लगेगी। उसके बाद आप लोग फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, आपने फॉन्ट्स का क्वेश्चन पूछा था, फॉन्ट्स अब यहाँ से चेंज हो सकते हैं, ठीक है गाइस। तो फॉन्ट का क्वेश्चन आंसर हो गया, इसलिए मैं कह रहा था स्टेप बाय स्टेप चलना थोड़ा सा बेहतर होता है, ठीक है।
और यहाँ से आप अपने फ़ोन चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने कर दिया अपना फ़ोन चेंज, ठीक है, जो मुझे चाहिए। उसके बाद आता है पैलेट, ठीक है। पैलेट में आप लोगों के पास मुख्तलिफ, मतलब वही रेशियोज जो आप लोग उसके क्या नाम है किस रेशियो पे वीडियो बनाना चाह रहे हैं उसके ऊपर फोकस कर देती है, और आप लोग उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। आप स्क्वेयर में बनाना चाह रहे हैं या आप अपनी रेक्टेंगुलर वीडियो बनाना चाह रहे हैं, और ठीक है। और एंड पे आके अगर आप क्विक का लोगो ऐड करना चाह रहे हैं या क्विक का लोगो ऐड नहीं करना चाह रहे, ठीक है, तो ये मेन डिज़ाइन है। इसके साथ आपकी ना कैनवा की तकरीबन सब ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं वो ख़त्म होते हैं, ठीक है। अब जो मैं मेन चीज़ करने वाला हूँ, मैं अपनी वीडियो को फाइनल कर रहा हूँ, ठीक है। मैं देखें जो रेशियोज़ है ना वो ख़राब हो रही हैं, तो मैं इन सबको बैलेंस रेशियो में कर दूंगा, ठीक है, ताकि ये मसला ना करें। मैं लेआउट सिंपल कर रहा हूँ इन सबका। ठीक है, मैंने लेआउट सिंपल कर दिया इनका। के रेशियो आपकी जो आपकी वीडियो की रेशियो है और जो आपकी पिक्चर्स की रेशियो है वो सेम हो जाए, वो ऐसे कोई अजीब सी ना लगे। ये जैसे अभी पिक्चर बाहर बहुत ज़्यादा आई हुई है, अंदर लोग पूरे नहीं आ रहे, तो मैं इसके लिए मैं पिक्चर्स सबको अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है। इस तरह आप सारी पिक्चर्स की रेशियो आप लोग बैलेंस कर दें अपनी वीडियो के हिसाब से, और इसी के साथ फिर हम लोग वीडियो प्ले करेंगे, ठीक है। और ये हमारा हो गया तकरीबन काम कम्प्लीट, ठीक है। ये मैंने मैंने आपको सबसे पहले यही ऑप्शन बताया था, ठीक है। ये क्लिप्स के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो क्लिप्स मैं कर रहा हूँ इसके ऊपर, ये जो नीचे मैंने आपको ऑप्शंस बताए थे उनमें आगे सिर्फ लेआउट पे क्लिक कर रहा हूँ। ये लेआउट का जो ऑप्शन है ना, उन क्लिप्स में से लेआउट पे क्लिक कर रहा हूँ, सिर्फ उनका मैं लेआउट चेंज कर रहा हूँ क्लिप्स का, ठीक है। रूज ठीक, शहर ठीक है, ओके। सो ये वीडियो अब हमने एडिट कर लिया तकरीबन सारी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो बन कैसे रही है। अब इसके बाद सिर्फ एक ऑप्शन लेफ्ट हो जाता है, वो मैं आपको भी बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन जो वीडियो मैंने ऐड किया वो कुछ इस तरह की बनेगी। अब देख लें, आपको म्यूजिक आ रहा है, अब आपको म्यूजिक नहीं आ रहा यार, ये बहुत इशू है। नहीं, 15 सेकंड का म्यूजिक नहीं आएगा, 15 सेकंड वाला म्यूजिक स्टार्ट होगा, समझ आई के स्टार्ट म्यूजिक 15 सेकंड वाला, ठीक है। अब देखें आपको आवाज आ रही है म्यूजिक की, अच्छा। सो मैंने जो अपना बेसिक डिज़ाइन था ना उसके तहत ना वीडियो एडिट की है, ठीक है, और उसके हिसाब से ही मैं कंटिन्यू करता रहा हूँ अब तक, ठीक है। तो मेरा म्यूजिक ऐड हो चुका है, मेरा सब कुछ तकरीबन इसके ऊपर एडिट है। अच्छा, मैं उसी के ऊपर आने लगा था, ठीक है। अभी पहले ये देख लें कि वीडियो मैंने प्ले जो डिज़ाइन की है, नहीं म्यूजिक का इस तरफ से कंसर्न नहीं होता, ठीक है। इस ये तो अपना एक वीडियो का ऑफ म्यूजिक है ना, एक मिनट जस्ट वेट फॉर वाइल, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे क्या मैं कर सकता हूँ कैन इसी के ऊपर कि आपको म्यूजिक आना शुरू हो जाए। जस्ट चेक मी माई जूम, ठीक है। हाँ अच्छा, अब आपको आ रहा है म्यूजिक, अब आपको म्यूजिक आ रहा था। हेलो, अभी भी नहीं आ रहा ये। अच्छा, जो बेसिकली आप लोगों के नहीं, अच्छा मैं, अच्छा सो बेसिकली इसके बाद जो ऑप्शंस नीचे आप लोगों के, जो ऑप्शंस आप लोग पूछ रहे थे ना, ठीक है, वो बेसिक नहीं है इसका। जैसे अब ये माई एजेक जर्नी लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर अभी डिफरेंट आगे एस्थेटिक एस्थेटिक्स हैं, उसके अलावा डिजाइन हैं,
जो आप लोग अपनी मर्जी से नीचे से सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू वीडियो प्ले होती है। ठीक है, अब मैं आपको पहले ये डिज़ाइन था, मैं इसके थ्रू मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा था। ठीक है, इससे अगला जो ऑप्शन है वो एक्शन है। ठीक है, उस पर डिफरेंट आएगा। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप का हर दफा टेक्स्ट आएगा, हर तरह से डिफरेंट होगा। ठीक है, बॉक्स के ऊपर आपको डिफरेंट मिलेगा डिजाइन, लेफ्ट लेस के ऊपर आपको, लेफ्ट लेफ्ट के ऊपर आपको डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, तो मतलब आप अपनी मर्जी से यहाँ से कोई सा भी डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू आप लोग वीडियो को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग ओवर को यूज कर रहे हैं, ये डिफरेंट दिखाएगा वीडियो पिक्चर्स को सब कुछ। इसी तरह ये आगे ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसके थ्रू आप अपनी मर्जी से कन्वर्ट करके आप लोग अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली थीम्स हैं जिसके थ्रू आप वीडियो अपनी एडिट कर रहे हैं। सो दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ मतलब के कैनवा। ठीक है, और ये काफ़ी ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है, तो और सिंपल वीडियो एडिटिंग्स में बहुत हेल्प करते हैं। आपको एक सिंपल वीडियो तैयार करनी है तो ऑलवेज यूज़ कैनवा, इट्स गोना हेल्प यू अलॉट। ठीक है, क्योंकि वो सॉरी, ऑलवेज यूज़ क्विक 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 क्विक। ठीक है, कैनवा मेरे दिमाग में आया, ठीक है, क्विक यूज़ करें क्योंकि आपको ईजिली आपको हेल्प कर देता है मुख्तलिफ वीडियोज़ को एडिट करने में। ठीक है, तो ये आपको हेल्प कर रहा है मुख्तलिफ तरह की वीडियो एडिटिंग्स में। ठीक है, उसके अलावा ये नीचे सारे डिज़ाइन है। अच्छा, वीडियो जब सेव करनी है ना, उसके लिए आपको यही ऑप्शन होगा कि आपने ये पीछे जो डाउनलोड का बटन आ रहा है ना नीचे, इसके ऊपर क्लिक करना है और आपकी वीडियो का ऑप्शन सेव विदाउट शेयरिंग करना चाह रहे हैं तो सेव विदाउट शेयरिंग करेंगे और ये आपकी वीडियो सेव होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ये इट विल टेक 2 और 3 मिनट्स। ठीक है, और आपकी पूरी वीडियो सेव हो जाएगी और फिर आप लोग अपनी गैलरी में जाके इससे प्ले कर सकते हैं। ठीक है, यार पोस्टर कंपटीशन का अभी हमने थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने उसके तय करने हैं। इट विल टेक ओनली मतलब 1 आवर का आपको एक लिमिटेड टाइम स्लॉट होगा और हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग किसी तरह आप लोगों को सबको एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू एक ही दफ़ा में हम लोग करवा सकें, तो देखते हैं किस तरह होता है। लेकिन 1 घंटा होगा आपके पास पोस्टर सबमिशन का, 1 घंटे में आपको टॉपिक्स दे दिए जाएंगे, 3 डिफरेंट टॉपिक्स पे पोस्टर कंपटीशन हो रहा है, तो यू हैव टू मेक एनी वन ऑफ द पोस्टर। लेकिन पोस्टर आपको साइन होगा, आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे कि आप किस पे बनाना चाह रहे हैं, तो आप लोग इसके ऊपर वो पोस्टर बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो जब तक सेव हो रही है, ठीक है, वो वीडियो सेव होके मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा के वीडियो है कैसी। अच्छा, जो मैंने वीडियो, जैसे कि मैं आप, अच्छा मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग पोस्टर बनाएं इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया चैनल्स पे। ठीक है, तो आप उसके ऊपर पोस्टर बना के देंगे मुझे कि आप उसके अंदर डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है आप क्या डालना चाह रहे हैं, क्या डाल सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा जो बेसिकली मैंने क्विक पे मैं आपको बता रहा था कि मैं वीडियो एडिटिंग्स करता रहा हूँ ना, तो उसमें कुछ आपको मैं दिखा देता हूँ कि उसमें कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस्म की वीडियोज़ भी आती हैं जो मतलब कि आप लोग कर सकते हैं। सिंपल मैं सिंपल वीडियोस की उसके ऊपर की हुई और प्रोफेशनल वीडियोस भी इसके ऊपर की हुई हैं, क्योंकि क्विक को तब यूज़ करना चाहिए जब आपका काम थोड़ा हो और आपके पास मतलब कि काम इजी हो, क्योंकि क्विक एक इजी सॉफ्टवेयर है तो इजी काम आप कर सकते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं जा सकते। आप लोगों को आवाज़ आ रही है वीडियो की? अच्छा, सो कैनवा की आनी चाहिए वैसे आवाज़, मैं फिर भी एक दफ़ा चेक कर देता हूँ कि कैनवा में कहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है स्क्रीन शेयरिंग का, बल्कि मैं वीडियो शेयर सॉरी इसके ऊपर मैं वीडियो शेयरिंग ओपन कर लेता हूँ, 1 मिनट वेट कीजिएगा। हाँ, जस्ट गिव मी अ वायर बुक मार्क स्क्रीन।
अच्छा इसकी वीडियो टाइमिंग में थोड़ा सा अभी 5-7 मिनट पड़ा हुए हैं, तो मैं इसलिए सर मैं इसका टाइम ले रहा हूँ। कॉलेज अच्छा सो यहाँ पे साउंड का इशू आ रहा है, तो आई विल सेंड यू वीडियोस जो मैंने एडिट की हुई हैं इसके थ्रू, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसके इफेक्ट्स दिखा देता हूँ कि मैंने इसके ऊपर कौन कौन से इफेक्ट्स ऐड किए हुए हैं। लेट मी शो यू एक सिंपल सी वीडियोस, ठीक है। अच्छा जो इसके अंदर मैंने इसके ऊपर एक फिल्टर लगाया हुआ है, ठीक है, जो एक ब्लूइश कलर का फिल्टर है, जिसके थ्रू मैंने इस वीडियो का कलर थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो अगली वीडियो इसके ऊपर प्ले होगी, हाँ अच्छा, इसके अंदर मैंने टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, टेक्स्ट की डायमेंशन थोड़ी चेंज किया कि टेक्स्ट कैसे ऐड हो रहा है। देखिए आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप ऐड हुआ था, तो मैंने वो थीम ही वो सेलेक्ट किया था जिसमें टेक्स्ट टेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप ऐड हो रहा है, ठीक है। इसका जो अगली वीडियो है, जी हाँ, उसके लिए थीम्स अवेलेबल है, आप थीम्स के हिसाब से टेक्स्ट को डिपेंड, जैसे अब ये है इसके ऊपर मैंने एक फिल्टर ऐड किया ब्लू कलर का, ये जो नीचे है इसका कलर चेंज किया है मैंने, ठीक है। उसके अलावा मैंने फिल्टर्स इफेक्ट ऐड किए हुए हैं, ठीक है। कुछ वीडियो एडिटिंग मैंने यहाँ से की, मैं कंपाइलेशन मेरी सारी यहाँ से है, ठीक है, कंपाइलेशन सारी इस सॉफ्टवेयर से। लेकिन जो इसके ऊपर इफेक्ट्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, वो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर से लिए हुए हैं, जैसे मैंने विवा को यूज़ किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है, और ये क्लिप्स मैंने मुख्तलिफ जगहों से कंपाइल किए हुए हैं, ठीक है। तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग किस तरह के सॉफ्टवेयर को किस तरह यूटिलाइज कर रहे हो और वो किस तरह उसे यूज़ कर रहे हो। और ये हमारी जो लास्ट वीडियो भी हमने ऐड की है, तो गाइज इसी के साथ अभी का हमारा लेक्चर स्टॉप करते हैं अभी हम लोग। एनीबडी हैव एनी क्वेश्चंस, तो ही और शी कैन आस्क, ठीक है। और क्विक का लेक्चर छोटा इसलिए था कि क्विक इजी सॉफ्टवेयर है।